नमस्ते दोस्तों, मैं रंजीत शर्मा, आर्ट एच एंड ट्रिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोग के लिए कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। मोबाइल ख़रीदने से पहले कुछ बातें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होती है कि मोबाइल ख़रीदने से पहले, तो दोस्तों सबसे पहले आप मोबाइल के बजट के हिसाब से मोबाइल आप ले सकते हैं। जैसे कि आपका कोई बजट है 10, 20, 30, 40 हज़ार, तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि मोबाइल का अबाउट में जाके उसका एंड्रॉयड वर्जन कितने है देख लीजिए। लेटेस्ट से लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन आप ले सकते हो। इसके बाद दोस्तों लीगल इन्फॉर्मेशन, मोबाइल का रैम बहुत ज़रूरी है। कम से कम मोबाइल का रैम 1.5 GB से ऊपर होना चाहिए दोस्तों, मोबाइल का रैम 1.5 GB से ऊपर होना चाहिए। और रोम, साथ में रोम भी 32 GB होना ही चाहिए दोस्तों। और स्क्रीन साइज, अगर आप वीडियो देखना मूवी देखना पसंद करते हो तो आपका स्क्रीन साइज लगभग 5 इंच के आसपास होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों कैमरा, अगर आपका स्मार्टफोन लेना है कैमरा 13 मेगापिक्सल रियर कैमरा होना ही चाहिए दोस्तों। उससे कम होगा तो स्मार्टफोन कैसे कहलाएगा। उसके बाद फ्रंट कैमरा भी 8 मेगापिक्सल के आसपास होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों मोबाइल का जो ब्रांड रहता है दोस्तों, ब्रांड थोड़ा देख के लेना। अगर आपको मोबाइल लॉन्ग टाइम यूज़ करना है तो जो 4-5 ब्रांड है, सैमसंग हो गया आपका, MI, देन जियोनी, वीवो, ओप्पो। अगर आप आईफोन लेते हैं तो उसका बात ही कुछ अलग है दोस्तों। जो चाइनीज़ ब्रांड है उसे मत लीजिए, क्योंकि आपको लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। तो दोस्तों यही सब ध्यान में रखें मोबाइल लेने से पहले। और दोस्तों प्लीज़ आप मेरे चैनल आर्ट टच एंड ट्रिक को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको सबसे पहले वीडियो लाने के लिए, मेरे वीडियो को देखिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।